इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप जो रियलमी 3 प्रो मोबाइल फ़ोन को आप दोस्तों फुल स्क्रीन में यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फुल स्क्रीन में यूज करने का मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो नीचे तीनों नेविगेशन बटन है, टास्क, होम और बैक, ये दोस्तों तीनों हट जाएगा तब भी जो है आप अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको रियलमी 3 प्रो मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको आना है नीचे। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कन्वीनियंस टूल्स का, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको ये नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका दोस्तों वर्चुअल बटन सेलेक्ट होगा। तो वर्चुअल बटन सेलेक्ट होता है तो क्या होता है कि आपके फ़ोन में ये तीनों बटन यहाँ पर शो करता है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इसे स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड को सिलेक्ट कर देना है। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट कर देंगे तो आपके फोन से ये तीनों बटन यहां से हट जाएगा। अब दोस्तों देखिए, आप अपने फ़ोन को कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों आपको अपने फ़ोन को बैक करना है तो दोस्तों बैक करने के लिए आपको इस साइड और इस साइड दोनों साइड से अगर आप फिंगर को टच करके जब दोस्तों आप खींच कर बीच में लाएंगे तो आप बैक हो जाएंगे। जैसे देखिए, मैं इस साइड से खींच कर फिंगर को लाता हूँ बीच में, तो यहाँ पर आपने देखा मैं बैक हो गया। अब चलिए मैं इस साइड से फिंगर को टच करके लाता हूँ बीच में, तो आपने देखा बैक हो गया। तो इस तरीके से आप दोस्तों हो सकते हैं बैक। और दोस्तों देखिए, अगर आपको दोस्तों डायरेक्ट होम स्क्रीन पर जाना है तो देखिए, होम स्क्रीन पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि दोस्तों आपको यहाँ से जो है नीचे से आपको फिंगर को टच करते हुए दोस्तों ऊपर की नीचे से दोस्तों फिंगर को टच करते हुए ऊपर की ओर ले जाकर इस तरीके से छोड़ देना है, तो आप दोस्तों जो है होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। और देखिए, अगर आपको टास्क बार खोलना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर फिंगर से दोस्तों टच करके धीरे धीरे आपको दोस्तों फिंगर को ले जाना है ऊपर की ओर। तो आप जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे तो फिर देखिए यहाँ पर आपका टास्क बार आ जाएगा, और फिर आप दोस्तों जब इतना पर आ जाए तो आपको छोड़ देना है, तो फिर यहाँ पर आपका टास्क बार खुल जाएगा। सो इस तरीके से आप जो रियलमी 3 प्रो मोबाइल फ़ोन को आप फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।